नमस्कार, मैं सुरेंद्र सोरेन। यहाँ इस बिल्डिंग पे, इस मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में आपकी नज़र जहाँ भी जाएगी, हर तरफ आपको कुछ पोस्टर्स, कुछ होर्डिंग और कुछ नाम नज़र आएंगे। नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबका काम एक ही है, भविष्य गणना। भविष्य गणने वाले इन स्कूलों में, इंस्टीट्यूट में इस वक्त ताला पड़ा हुआ है और भविष्य गढ़ने वाले यहाँ बैठकर अपनी भविष्य की चिंता कर रहे हैं। यह पूरा मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स स्टूडेंट्स से भरे रहते थे, चारों तरफ स्टूडेंट्स, जहाँ दुकानों में, इंस्टीट्यूट में, अलग अलग जगह छोटी छोटी टोलियाँ बनाकर यहाँ चहलकदमी या चहल पहल बनाते थे। लेकिन आज यहाँ चारों तरफ सन्नाटा है। यह सन्नाटा है लॉकडाउन से पहले से शुरू हुई और अब तक लॉकडाउन के बाद भी यह सन्नाटा अभी तक टूट नहीं पाया है। हमारे साथ कोचिंग इंस्टीट्यूट के संचालक इस वक्त मौजूद हैं और हम इनसे समझते हैं कि विगत 3 महीने से लेकर के आने वाले 3 महीने तक की, बीते हुए 3 महीने की और आने वाले 3 महीने की क्या तस्वीर इन्हें नज़र आ रही है। हमारे साथ है मनोज गुप्ता जी, इनसे समझते हैं, NIBM इंस्टीट्यूट है इनका। मनोज जी, क्या स्थिति है वर्तमान में, क्या स्थिति नज़र आ रही है आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट की? देखिए, वर्तमान में आप देख ही रहे हैं कि सबसे आगे रहने वाली, सबका विद्यार्थियों को, भविष्य को बनाने वाले, युवा वर्ग के पीढ़ी को गढ़ने वाले संस्थान जो है, स्कूल कहें, कॉलेज कहें या हम लोग के शैक्षणिक संस्थान कहें, वो सबसे अभी पीछे खड़ा है। ये आशा ही नहीं हो रही, ये विश्वास ही नहीं हो पा रहा है कि कब ये इंस्टीट्यूट खुलेंगे, कब विद्यार्थियों के जो सपने देखकर हम लोग के पास आते थे, उनके सपनों को हम फिर सीढ़ी दर सीढ़ी कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो काफ़ी समस्या है ये कोरोना काल में, COVID-19 के दौरान ये सभी हम लोग समस्या से जूझ रहे हैं और ये समस्या के साथ अनेक समस्याएँ उत्पन्न हो गई है। जैसे कि अभी देख रहे हैं कि बहुत सारे समस्याएं हैं कि पहला समस्या ये है कि कोचिंग वाले जो रेंट में लेकर रह रहे हैं तो उनको 4-5 महीने रेंट देने पड़ेंगे तो उनको एक और समस्या आएंगे। अभी तो ये स्थिति है कि बहुत वाले जो लैंडलॉर्ड है वो उतने प्रेशर नहीं बना रहे हैं, वो समझते हैं स्थिति को, लेकिन अगर किसी कारणवश इनको ऑल ऑफ सडन प्रेशर पड़ गया तो निश्चित रूप से भयावह स्थिति उत्पन्न होगी। और यहाँ पर उनके जो यहाँ वर्कर थे, यानी जो काम करते हैं, चाहे टीचिंग हो या नॉन टीचिंग स्टाफ्स हों, उनको अगर सैलरी देने की बात होती हो तो निश्चित रूप से उनका भी खर्चा यहीं से जुड़ा हुआ था, तो उनको भी सहयोग वो लोग कर ही रहे हैं, यथासंभव जितने हो सकते हैं कर रहे हैं, लेकिन इनके भी रिसोर्सेज काफ़ी लिमिट रहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, लगभग सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे हैं कि जो कि मंथली, मतलब पर डे इनका इनकम होता है या मंथली इनकम होते हैं, तो उसी अकॉर्डिंगली वो अपने नेक्स्ट मंथ के खर्च को मैनेज करते थे। लेकिन अब ये स्थिति हो गई है कि वो सारे, उनके जो भी जमा पूंजी थे, संचित निधि थे, वो सारा लगभग समाप्त होने की स्थिति में है। तो ये आशा की किरण कहाँ और कैसे इनके साथ हो, तो वो आशा की किरण इनको नहीं दिखाई पड़ रही कि कौन मदद इनको करेगा, कैसे इसके ज़िंदगी चलेंगे। लेवलीवुड के लिए भी ये समस्याओं के चैलेंज हो गया है, अब वो देख नहीं पा रहा है। यहाँ पर आप देखते होंगे कि स्कूल हैं या कॉलेजेस हैं, वो तो पढ़ाते बिहार और झारखंड दोनों स्टेट के लिए रांची एक बड़ा एजुकेशन हब के तौर पर डेवलप हो चुका है, और अब जब इतने कितने स्टूडेंट पर इसका प्रभाव पड़ा हो। देखिए, यहाँ पर कहा जाए तो आप रांची की बात करते हैं, रांची एक ऐसा सेंटर है जहाँ देखते होंगे कि डिफरेंट स्टेट से, कहा जाए कि कोटा है या राजस्थान है, वहाँ के कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले यहाँ पर आके कोचिंग खोलते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मार्केट है। यहाँ पर लाखों की संख्या में, कहा जाए, विद्यार्थी यहाँ पर, रांची सेंट्रलाइज कैपिटल झारखंड होने के कारण, अदर सराउंडिंग स्टेट जो है हम लोग का, बिहार है, झारखंड है, बिहार है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, जो छत्तीसगढ़ है, उन सारे स्टेट से यहाँ पर स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, तो एजुकेशन हब है। यहाँ पर लाखों की संख्या में रहते हैं और इस एरियाज में देख रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ हैं सारे, तो वहाँ अदर स्टेट से, डिस्ट्रिक्ट से लड़के यहाँ पढ़ने आते हैं, तो लाखों की संख्या में यहाँ पर स्टूडेंट, अब जो कॉलेजेज में नहीं पढ़ते हैं वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में उनको पढ़ाया जाता है और फाइनल सेफ दिया जाता है। जो गवर्नमेंट कॉलेज में हो गया, जो 10+2+3, ये लगभग 5-10 साल जब पढ़ के आते हैं,
उनका एक भी क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्जाम से नहीं पूछा जाता है। तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट करता है कि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको वो तैयार करते हैं, और जिंदगी भर विद्यार्थियों को यही कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर याद रहते हैं। तो ये टीचर का रोल बहुत बड़ी है। कॉलेज सर्टिफिकेट देते हैं, ज्ञान तो आप देते हैं, जॉब दिलाने की फाइनल टचअप वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले करते हैं। अगर इनकी अस्तित्व समाप्त हो गई तो निश्चित रूप से सरकारी नौकरी में क्वालिटी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो पाना चैलेंज की तरह एक माना जाएगा, एक चुनौती की तरह होंगे। कोटा के से हमारी बराबरी नहीं हो सकती, लेकिन पिछले दिनों कोटा से भी हज़ारों छात्र वापस आए। उनके लौटने के बाद क्या ऐसा लगा कि अब शायद झारखंड की या राजधानी रांची की कोचिंग इंस्टीट्यूट जो हैं वो विकसित होगी और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ फोकस करें? जी सुरेन साहब, काफ़ी अच्छा आपने प्रश्न किया। ये गवर्नमेंट के लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज है कि कोटा भी अब लगभग सारे बंद हो चुके हैं, ठीक है, फिर से वो रिवाइव करने की कोशिश करेगा, और झारखंड के स्टूडेंट जो बाहर गए थे वो यहाँ आ चुके हैं, ठीक है, आ चुके हैं। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज के रूप में झारखंड गवर्नमेंट को लेना चाहिए कि इसको ऐसा एजुकेशन हब झारखंड को बनाए कि जो कि सारे के सारे लड़के यहीं पर आ जाए, और आपके झारखंड से ही निकलकर सारे टीचर ऑल ओवर स्टेट में पढ़ा रहे हैं, तो वो टीचर यहीं पर रहें और विद्यार्थियों को अच्छे से सींचे कि विद्यार्थियों की फसल अच्छे उपज सके। और इससे फ़ायदा क्या होगा झारखंड गवर्नमेंट को कि GST और इनकम टैक्स वो ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको दे सकते हों, जिससे कि आपकी भी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाएंगे और इससे चहुमुखी विकास आप कर सकते हैं। इस सेक्टर को बूम करने की आपको आवश्यकता है। झारखंड सरकार से मैं अब ये अनुरोध करना चाहता हूं कि इस पर ये ध्यान दें और एजुकेशनल सेक्टर एक बनाए, जैसे आपको बहुत सारे सेक्टर होते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर होते हैं, तो एजुकेशन सेक्टर ये बनाए और उस सेक्टर में अनऑर्गेनाइज है ये, इसको ऑर्गेनाइज वे में प्लान करके यहाँ पर उसको एस्टेब्लिश किया जाए, जिससे कि आपको गवर्नमेंट सरकार को रेवेन्यू में काफ़ी अच्छा कलेक्शन होगा। जैसे राजस्थान में देखिए कोटा से कितने कलेक्शन होते हैं, तो उसको नए सिरे से आपको ये इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे इंडस्ट्री सेक्टर को देख रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर को भी आपको यहाँ पर स्टेबल करें, ऑर्गेनाइज करें और एक ऐसा नियमावली बनाए जिसकी कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए भी नियमावली होने चाहिए और कैसे कोचिंग का मोड होना चाहिए, कैसे सेफ होने चाहिए, जिससे कि अट्रैक्शन और बढ़े स्टूडेंट का। कोटा की बराबरी हमारी नहीं हो सकती, हम मनोज जी से वही बात कर रहे थे। कोटा स्टूडेंट हमारे जाते हैं या साउथ की कुछ स्टेट्स की तरफ, बेंगलोर और कर्नाटका की तरफ जाते हैं स्टूडेंट, हाँ, वो माहौल यहाँ नहीं बन पाया, लेकिन बनाने की कोशिश आप लोगों ने की, उन कोशिश में कितना बड़ा ये हर्डल बना, क्योंकि स्टूडेंट भी हमारे वहाँ बाहर जा रहे हैं, टीचर्स भी यहीं के होते हैं, बिहार झारखंड के होते हैं, वो बाहर जा रहे हैं, तो एक माहौल बनाने की अब आगे एक संभावना भी नज़र आ रही होगी, या उस संभावना को इस कोरोना ने कितना ब्रेक लगाया? सर, कोरोना के आने से सर जितने भी छात्र छात्राएं हैं, जो लोग भी बाहर गए थे, जो वापस यहाँ आ रहे हैं, अब उन लोगों का ऐसा सोचना है कि भाई कि जो चीज़ हम बाहर जाकर गेन कर रहे हैं वो चीज़ हमको यहीं मिल जाएगा, तो बेटर होगा कि हम यहाँ पर इसके लिए कुछ ना कुछ प्रयास करें। लेकिन अभी जो सिचुएशन है ना, इसको मैनेज करने के लिए सरकार हमारे साथ क्या सहयोग कर रही है इस पर डिपेंड करता है, क्योंकि अभी जो भी छात्र हैं या छात्राएं जो लोग पढ़ रहे हैं वो लोग सभी चले गए हैं, अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा इसको लेकर बहुत कन्फ्यूजन। आप कॉमर्स के टीचर हैं, हाँ बताइए, इस वक्त देश की कॉमर्स और आपके बिजनेस की कॉमर्स की क्या हालत है? इकोनॉमिकल देखा जाए ना सर, तो अभी चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, है ना, स्थिति सभी जगह बहुत बुरा है, चाहे वो व्यापार हो, बिजनेस हो, कहीं भी हो, है ना। और जो भी स्टूडेंट जो पढ़ लिख रहे हैं वो लोग अभी समझ में नहीं कि फ्यूचर हमारा कहाँ जाएगा, है ना, ये सब लेकर बहुत ही खराब स्थिति है सर। बिल्कुल, स्थिति जैसी भी खराब हो, भोजन वस्त्र आवास के बाद शिक्षा एक मूलभूत ज़रूरतें बन गई है और होनी भी चाहिए, क्योंकि हर परिवार में अपने भविष्य को, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने और निखारने की एक सपना संजोए हुए रखते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रुकते हैं, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे, यहाँ और भी कोचिंग के संचालक और शिक्षक मौजूद हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बैंक, SSC, रेलवे, कंबाइंड एग्जाम या किसी भी क्षेत्र में अगर आपको जाना हो, तो तकरीबन 70-80% जो स्टूडेंट होते हैं वो कोचिंग के ज़रिए ही अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। कुछ एक ऐसे प्रतिभाशाली विद्यार्थी भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, जो घर से ही अपनी तैयारी करके अपनी मंजिल हासिल कर लेते हैं, अपना लक्ष्य हासिल कर लेते हैं, अपना सपना पूरा कर लेते हैं। लेकिन इस वक्त जो सपने पूरे करने वाली संस्थाएँ हैं, वो संस्थान इस वक्त कमज़ोर हैं और कमज़ोरी
के साथ साथ आने वाले भविष्य के लिए ये सोच रहे हैं कि कैसे लोगों का भविष्य, स्टूडेंट्स का भविष्य आप संभालेंगे और अपना भविष्य सुधार पाएंगे। क्या स्थिति लग रही है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से इकोनॉमिक कंडीशन लोगों की ख़राब हो रही है, तो एजुकेशन सेक्टर पे लोग फोकस करेंगे, पैसा निकालेंगे? ऐसे तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इस सेक्टर को भी और पहले से भी ज़्यादा बेहतर और एक नए जोश के साथ आगे बढ़ें। लेकिन बस मैं ज़्यादा तो नहीं इतना कहना चाहूँगा कि जो इतने दिनों से, इतने सालों से जो दूसरों का भविष्य संवारते आए हैं, आज उनके अपनी भविष्य की चिंता खुद हो रही है कि वो क्या करें। इतने स्टाफ्स हैं, इतने नॉन टीचिंग स्टाफ थे और बाकी जो हमारे टीचर्स रहे हैं, डायरेक्टर्स रहे हैं, मतलब अभी वो गहरी इतनी मंथन में है वो कि वो खुद सोच रहे, फ्रस्ट्रेशन में जा रहे हैं वो। और उनकी अपनी भविष्य की इतना चिंता, उनके परिवार की चिंता है, रेंट कहाँ से दे, बच्चे का ट्यूशन फी कहाँ से दे, मतलब हर प्रकार का, इवन घर का खर्चा भी बहुत मुश्किल से चला रहे हैं। मैंने बहुत सारे वैसे टीचर से मैं संपर्क किया हूँ और मैंने बात किया है, जितना हो सका मैंने संभव कोशिश मतलब ये हेल्प करने की कोशिश भी किया है। लेकिन अब कितने दिन, चूँकि ये कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो रहे हैं। हम लोगों ने सोचा था कि एक महीने, दो महीने, तीन महीने, लेकिन अभी तक दूर दूर तक नहीं दिख रहा है कि कब तक चलेगा ऐसा। सरकार भी हम लोग के हम मतलब अपनी तरफ से कोई ऐसा स्टेप नहीं उठा रही है कि कोचिंग संस्थान वालों को किस तरह से मदद किया जाए। तो उनकी तरफ से बंगाल ने 30 जुलाई तक लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया है। अब यहाँ भी पता चल रहा है कि कई स्टूडेंट जो है वो बंद हो गए, लोगों ने खाली कर दी अपनी कुर्सी। मैक्सिमम जैसा कि 80-90% बंद हो चुके हैं, खाली कर चुके हैं। बहुत सारे रेंटर, रेंट की वजह से, चूँकि काफ़ी हाई रेंट रहते हैं तो नहीं दे पाने की वजह से खाली रह कर रहे हैं। और आगे दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है कि आगे क्या होगा। तो कुछ लोग तो अलग अलग अपने, जैसे मैं कुछ दिन पहले एक टीचर से बात किया तो उन्होंने बोला कि सर अब मैं सब्जी बेचकर अपनी जीविका चलाने की कोशिश करो। ऐसा स्थिति आ चुकी है, हकीकत है या उदाहरण? एकदम हकीकत है, मैंने बात किया है। ठीक है, तो इस तरह बोलो कि सर मैंने उनका सब्जी बेचने वाला का जो उनका जो थाउट था, मैंने सोचा हम के लिए अब ऐसी स्थिति आ गई है। तो बोले क्या करें सर, मैं पढ़ा के अपनी रोजी रोटी कमाता था। अब जो वो प्राइवेट टीचर ही होंगे, उन्हें इस वक्त कहीं से इनकम आ रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है। इसलिए अभी कोचिंग वालों की स्थिति बहुत दयनीय है, बहुत दयनीय है। इस वजह से मैं सरकार से यही गुजारिश करता हूँ कि कृपया हम लोग को भी ध्यान दें। क्या वो शिक्षण का काम छोड़ करके दूसरे काम में शिफ्ट हो जाएं? किस इंस्टीट्यूट से हैं आप? मेरा अल्पाइन इन्फोटेक और अल्पाइन करियर में कर रहा हूँ। कंप्यूटर और बैंकिंग SSC की तैयारी करवाते हैं, यहाँ हरी उमटौर में ही है जी। क्या लग रहा है आपके सेक्टर्स में, आपके स्टूडेंट्स में कितनी कमी आई? अभी तो कम्प्लीटली बंद है, इसलिए अभी का सिनेरियो में कोई स्टूडेंट है ही नहीं। आने वाले समय में देखिए, हम लोग उम्मीद नहीं छोड़े हुए हैं कि स्टूडेंट नहीं आएंगे, ऐसा बात नहीं, स्टूडेंट आएंगे ज़रूर। लेकिन जो लॉकडाउन की स्थिति है, सरकार का कुछ नीति स्पष्ट नहीं आ रहा है कि लॉकडाउन अनलॉक वन हुआ, इसमें कुछ दुकानें संस्थाएं खुली, अनलॉक टू में क्या होगा, इसका कोई अभी सिनारियो समझ में नहीं आ रहा है। हम लोगों की सरकार से एक दरख्वास्त है कि भाई स्कूल कॉलेज बंद रहे, लेकिन कम से कम प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूटों का खोलने के लिए एक सामान्य दिशा निर्देश देते हुए जारी किया जाए कि प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट खुलें। जो प्रक्रिया है कोविड का, उस प्रक्रिया के तहत इनको खोलने की इजाज़त दी जाए। ऑनलाइन क्लासेस का जो प्रचलन अभी सरकार के द्वारा या इंस्टीट्यूट के द्वारा हुआ है, वो अभी सक्सेसफुल नहीं है। इसलिए पूरी उम्मीद है कि बच्चे आएंगे। दो कारण है, एक तो यहाँ के जो बच्चे पहले थे वो तो आएंगे ही आएंगे, और बाहर से भी जो बच्चे आए हैं, जो तैयारी कर रहे थे मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, उनके पास भी अब दूसरा ऑप्शन नहीं है। वो दोबारा कोटा, दिल्ली, अन्य जगहों पर जा नहीं सकते हैं। तो अभी हम लोगों के लिए बेटर समय है, सरकार को देखना चाहिए कि अभी संस्थानों को खोलने की इजाज़त मिल जाती है तो वो बच्चे भी यहाँ आएंगे, तो यहाँ बच्चों का फॉल और आने का क्रम और ज़्यादा बढ़ेगा और हम लोग और पहले तरीके से और ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। जब उनको यहाँ अच्छी क्वालिटी की पढ़ाई मिलेगी, एजुकेशन मिलेगी, जब यहीं के टीचर वहाँ पढ़ा रहे हैं, तो फिर यहाँ क्यों नहीं हम लोग पढ़ा सकते, उनको क्यों नहीं रिजल्ट दे सकते हैं। एक कोटा का नाम हो गया पूरे इंडिया में कि कोटा में बहुत बढ़िया बढ़िया संस्थान है, जबकि सभी को मालूम है कि कोटा के सारे शिक्षक झारखंड, बिहार इत्यादि शहरों के ही हैं। कोटा, राजस्थान का कोई शिक्षक वहाँ नहीं है, सब इधर के ही शिक्षक हैं। तो जब कोटा के बच्चे, दिल्ली के बच्चे यहाँ आ चुके हैं, तो आप रांची आ सकर के पढ़ाई कर सकते हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि संस्थान खुलते ही बच्चों का आगमन जल्द से जल्द चालू हो जाएगा। शिक्षक भी आ चुके हैं, बच्चे भी आ चुके हैं, बस खुलने की देरी है, खुलने की देरी है कि खुला फिर इसका रौनक आ गया है। इस हालात में आपको लगता है कि कोचिंग सेक्टर जो है वो फिर से पुनर्जीवित हो पाएगा? मैं बताना चाहता हूँ, मैं इरफान जिया, इंफेस कोचिंग का डायरेक्टर हूँ। सबसे बेसिक ग्राउंड बताना चाहूँ, जब लॉकडाउन किया गया था कोई तैयारी नहीं थी। मेरे पास बेसिक स्टाफ, जो रनिंग स्टाफ है, बेबीता दीदी है, जो जैसा स्टाफ है,
उसको तीन तीन बच्चे हैं, एक और स्टाफ है उससे पाँच बच्चे हैं, बहुत कम सैलरी में लोग काम करते थे। अब उन लोग पास चार महीना से सैलरी थोड़ा थोड़ा करके दे रहे, पूरा तो देने का ये नहीं है, लेकिन फिर भी दे रहे हैं। बट हैंड टू माउथ हम लोग, अगर सरकार और लेट करती है तो हम भी इतना एबल नहीं रहेंगे कि उसको हम आगे फीड कर पाए। लॉकडाउन हो गया है, बच्चे की तैयारी है, और फॉर्म आ चुके हैं, SCPO का फॉर्म आ गए हैं, और फॉर्म का डेट आ चुका है, SSC का डेट आ चुका है, लड़का तड़प रहा है लेकिन पढ़ाने का एबल नहीं है। मतलब क्या इकोनॉमिक्स में कहावत नहीं है, काम करने इच्छुक व्यक्ति को काम नहीं मिलता तो बेरोजगारी कहते हैं। इच्छुक तो है बट रोजगार नहीं हम लोग पे। अच्छा, पिछले कुछ वर्षों में, हम दिनों में नहीं वर्षों में कहेंगे, वो दशकों में कहेंगे, कि कोचिंग संस्थान पर बच्चों की, छात्रों की निर्भरता थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है। क्या हुआ ऐसा सिचुएशन कि स्कूल शायद या तो एग्ज़ाम्स के पैटर्न बदल गए, या फिर स्कूल जो है वो बच्चों को एग्ज़ाम के लिए तैयार नहीं कर पा रहे? जैसे हमने जब एग्ज़ाम निकाला था, SBI निकाला था, तो उस टाइम 2008-09 चल रहा था, या फिर UBI में PO ज्वाइन किया, तो उस टाइम क्वेश्चन बहुत ईजी आया करते थे, तो आप पढ़ते पढ़ते निकाल सकते थे। अभी वो ट्रेंड नहीं रहा। अगर आपको SBI PO बनना है तो आपको IT सेक्टर में बनाना पड़ेगा, मतलब लेवल हाई करना पड़ेगा आपको। आप घर बैठे बैठे नहीं कर सकते, आपको शिक्षक चाहिए, अब उससे बढ़कर शिक्षक चाहिए पढ़ाने के लिए। अगर आप वो कर पाते तो अच्छा है, अगर 200 का मार्क्स है तो 70 में सिलेक्शन हो रहा है आपका, 35% में, उतना भी आना केबल नहीं हम लोग, मतलब लड़के नहीं आ रहे, ग्रेड नहीं आ रहे हैं, तो हम लोग है सक्षम उसको देने के लिए कि आप उतना लाइए, आप हम 100 से आगे नंबर लाएंगे, आपको PO बनाएंगे। हम परफेक्ट कॉमर्स पॉइंट्स हैं, कॉमर्स ही पढ़ाते होंगे या कॉमर्स या CA पढ़ने वाले बनने वाले बच्चे ही आपके यहाँ ज़्यादा संपर्क करते हैं? कॉमर्स के साथ साथ मैं मैथ पढ़ाता हूँ। इस वक्त गणित कैसी लग रही है आपको? गणित, देश की गणित तो बहुत गड़बड़ लग रही है। इकोनॉमिकल गणित गड़बड़ लग रही है, और सबसे बड़ी बात है कि जो टीचर भविष्य निर्माता है आने वाले बच्चों के लिए, उनके ही भविष्य खतरे में लग रही है। जो गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने जो अलग अलग सेक्टर के लिए पैकेज छोड़े थे, उस पैकेज से लगता है कि देश की अर्थव्यवस्था सुधर पाएगी, सुदृढ़ हो पाएगी? इतने बड़े देश में अचानक अर्थव्यवस्था के सुधार होना, सुधरेगी लेकिन जितना सोचा जा रहा है उतनी नहीं सुधरेगी, इसमें वक्त लगेगा। अभी वर्तमान स्थिति में जितने सारे कोचिंग संस्था हैं, उनके स्टाफ्स हैं और उनके टीचर्स हैं, सबके लिए संकट की घड़ी है। स्टूडेंट थे आपके? लगभग 500। वो 500 में आप कितने टच में हैं भाई आपके? अभी तो देखिए, टच तो सब में है, ऑनलाइन हेल्प होती है, लेकिन जो मैनुअल हेल्प होती है उतनी ज़्यादा ऑनलाइन हेल्प अवेलेबल नहीं है, उतनी कामयाब भी नहीं है। ऑनलाइन के नाम पर बच्चों की पढ़ाई थोड़ी बहुत जारी है, चाहे वो स्कूल के ज़रिए हो या कोचिंग इंस्टीट्यूट के ज़रिए हो, लेकिन ऑनलाइन ऑफलाइन से बेहतर नहीं हो सकता। यह अलग बात है कि वो एक आपात स्थिति से निपटने जैसी सिचुएशन होती है, व्यवस्था होती है। एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद फिर हम इन मुद्दों पर बातचीत जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इंजीनियरिंग, डॉक्टर, बैंक, रेलवे, बड़े बड़े सेक्टर्स में बड़े बड़े सपने देखने वाले अपने सपनों तक की सफ़र पूरा करने के लिए कोचिंग संस्थानों का सहारा लेते हैं। कोचिंग संस्थानें बंद हैं, आने वाले कुछ और महीने तक इनके बंद रहने की संभावना है। ऐसे में जो देश के लिए इंजीनियर या डॉक्टर बनेंगे या बनने वाले हैं, वो कितनी क्वालिटी के होंगे या नहीं होंगे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं फिट जी से पंकज जी। फिट जी एक बड़ी संस्थान है और जाहिर है कि इन्होंने हज़ारों इंजीनियर, डॉक्टर और अलग अलग तरह के सेक्टर्स में अपने स्टूडेंट्स को भेजे होंगे। अगर कोचिंग संस्थान से अगर बच्चे पढ़कर नहीं जाएंगे या कोचिंग कुछ दिनों के लिए बंद ही हो जाएंगे और एग्ज़ाम होंगे, तो जाहिर है कि जो कट ऑफ मार्क्स है वो नीचे आ जाएगा। देखिए, ऐसा नहीं होता सर, कंपटीशन ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म रहता है। कोचिंग के पढ़ाने से कंपटीशन बढ़ जाएगा या नहीं पढ़ाने से कम जाएगा, ऐसा नहीं होता है। किसी भी कंपटीशन में आप देखिएगा तो रिज़ल्ट जो बच्चे का होता है उसमें 75% 80% क्रेडिट बच्चे का ही जाता है। कोई भी इंस्टीट्यूट 20% से 25% से ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकता है। अंतर क्या होता है कि अगर कोई कोचिंग संस्था, अब देखिए कहीं पर आप रेस कर रहे हो,
रेस में अगर फोकस्ड और एक टारगेट डिफाइन करके जब आप रेस करते हैं तो वहाँ तक पहुँचने की प्रोबेबिलिटी आपकी बहुत इन्हेंस हो जाती है, उसकी सक्सेस के रेट बढ़ जाते हैं। वहाँ पे देखिए अल्टीमेटली आईआईटी के अंदर 10,000 बच्चे का सिलेक्शन होगा, 10,000 बच्चे आएंगे, कट ऑफ में हो सकता है माइनर अंतर हो, लेकिन आपका कंफर्ट जोन जो है वहाँ तक पहुँचने का वो बढ़ जाता है अगर आप किसी ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूट के साथ सहयोग लेके आगे बढ़ते हैं, तो यही अंतर होता है। आपको पूरी एग्ज़ाम की प्लानिंग, आपको पूरी मैप आपको दे देता है कि आपको किस तरह से वहाँ तक पहुँचना है। एब्सोल्युटली पूरी प्लान, बिल्कुल पूरी प्लानिंग होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसमें कि आपका फोकस को बनाए रखने की एबिलिटी होती है, क्योंकि एक तरह के बच्चे होते हैं तो पीयर ग्रुप आपको हमेशा ड्राइव करता है कि आपको वहाँ तक पहुँचना है, डेविएशंस नहीं होता है। तो सक्सेस के पीछे नॉलेज का जितना बड़ा हाथ है उससे ज़्यादा बड़ा हाथ अपना फोकस और अपने रिदम को बनाए रखने के ऊपर है। बड़ी अच्छी साइकोलॉजी आपने बच्चों की समझ रखी है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर बच्चे ना स्कूल जा रहे हैं ना कोचिंग संस्थान जा रहे हैं, इस वक्त बच्चों की मनोदशा कैसी है? देखिए बच्चे फिजिकली स्कूल या कोचिंग नहीं जा रहे हैं, बट बच्चे डिजिटली दोनों जगह प्रेजेंट हैं। पहली बात तो ये है, मैं आपको फिजी की बात बताऊं, हमारे यहाँ जो नॉर्मल सिचुएशन होता था उससे तकरीबन 30-35% अटेंडेंस बढ़ा हुआ है, और ये बढ़ने के पीछे जब बच्चों से हमने फीडबैक लिया तो एक तो वो कम्फर्ट में है, चीज़ें उसी लेवल या उससे बेहतर लेवल पर हम पर्सनलाइज करके दे पा रहे हैं। तो जो ये एक व्यू रखा जाता है कि भाई लॉकडाउन के कारण सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो गया, बिल्कुल डाउन ट्रेंड में चला गया, एग्जैक्टली देखिए क्या है ना, वो इंस्टीट्यूट या वो लोग जो एंटिसिपेट कर पाए हैं और जो एंटिसिपेट करके अडॉप्ट कर पाए हैं वो हमेशा लीड करेंगे। और ये टेस्टिंग तो सर हर प्लेटफॉर्म पर होता है, कोरोना इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू टेस्ट दिस एबिलिटी इन योर सेल्फ, और हमने किया है इसके ऊपर और वी आर सीइंग द गुड रिजल्ट। यस, एनरोलमेंट नए बच्चों का डाउन हुआ है, क्वाइट एंटिसिपेटेड। इसका रीज़न ये है सर कि जो एग्जामिनेशन जेई मेन का अप्रैल में होता था अब वो जुलाई 18 से हो रहा है, तो ये जब चीज़ें बढ़ रही हैं तो एनरोलमेंट का ट्रेंड भी आगे की ओर शिफ्ट करेगा, ऐसा नहीं कि वो बच्चे बिल्कुल हट जाएंगे। तो बच्चे जो सीरियस हैं सर वो सीरियस इंस्टीट्यूट सीरियस लोगों के साथ जुड़ेंगे ही अपनी तैयारी कराने के लिए, इसमें कहीं दो मत नहीं है। एग्ज़ाम्स डिले होने से स्टूडेंट्स के उनके प्रिपरेशन में कोई कमी आ जाती है या फिर उनको टाइम मिल जाता है? नहीं, ये बहुत अच्छा पॉइंट है सर। देखिए बच्चे का एंग्जाइटी लेवल चेंज तो होता है, एंग्जाइटी लेवल चेंज होने का मतलब ये हुआ कि जो उन्होंने प्लान किया था कि अप्रैल में मुझे एग्ज़ाम देना है अब वो जुलाई 18 से स्टार्ट हो रहा है, चलिए डेट डिक्लेयर हो गया, बच्चे शांत हैं अभी। तो कभी कभी ना वो जो ये सिचुएशन के कारण उनके टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आता है, तो आपको मैं बताऊं कि एक इंस्टीट्यूट इस चीज़ को भी हैंडल करना चाहिए, एक एक्सपर्ट फैकल्टी का ये भी एक कर्तव्य बनता है कि इस चीज़ में बच्चों को हैंडल करें, उनको गाइड करें रेगुलर। आप काफ़ी बच्चों को, अनिल मिश्रा, अनिल मिश्रा जी, मिश्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट। मिश्रा जी, एग्ज़ाम अब जो हैं वो डिले हो रहे हैं या एग्ज़ाम्स कई कई के लिए एक अनिश्चितता का माहौल बन गया है, तो इंस्टीट्यूट के लिए तो अपनी तरह की परेशानी है, स्टूडेंट्स के नज़रिए से इस वक्त क्या देख रहे हैं? देखिए ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है ऑनलाइन क्लास से बच्चे इंगेज रहते हैं मगर जो इम्पैक्ट आपके क्लासरूम कोचिंग में आता है वो उसमें कभी नहीं आएगा। तो ऑब्वियसली है कि बच्चे थोड़ा सा डेस्परेट हैं, थोड़ी उनकी तैयारी भी ढीली हुई है क्योंकि सिविल सर्विस का ऐसे भी एग्जामिनेशन आप देख रहे हैं कि UPSC भी आगे उसको डेफर कर दी डेट को इस महामारी को ध्यान में रखते हुए, या हम लोग बोलें कि स्टेट सर्विसेज हैं वो भी डिले हो, बिल्कुल बिल्कुल डिले हो रहे हैं। तो इससे ऐसा हो सकता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो और ज़्यादा प्रिपेयर हो जाए या फिर डिमोटिवेट हो जाए? नहीं, डीमोटिवेट होने का तो कोई प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि जो बच्चे अगर मान लीजिए कि उनका एक ही कमिटमेंट है कि हमको आई हैव टू गेट थ्रू इन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन तो दे विल नेवर गेट डीमोटिवेटेड, वो मोटिवेशन। लेकिन हाँ, पढ़ाई तो असर करता है क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप डायरेक्ट संपर्क में नहीं हैं और डायरेक्ट संपर्क टीचर के साथ जो डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है वो हाँ साइकोलॉजिकली होता है और उसमें उनको ज़्यादा क्वेरीज उनका सेटिस्फाई हो पाता है। अभी क्या हो रहा है कि वो आप वन वे प्रोसेस हो गया, अगर आप कर भी रहे हैं तो ऑनलाइन क्लास में तो टू वे प्रोसेस तो हो नहीं रहा है, तो उसमें तो सर्टनली है कि थोड़ा सा दे आर सफरिंग। हाँ, ये JPSC के मामले में हम लोग कह सकते हैं कि थोड़ा सा चूँकि इसकी क्रेडिबिलिटी थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क हो जाती है समय समय पर, रिजल्ट्स आते हैं तो इतने सारे कंट्रोवर्सीज होते हैं, केसेज हो जाते हैं, तो थोड़ा सा बच्चों का रुझान इसके प्रति घटता है।
ऑब्वियसली। लेकिन एग्ज़ाम्स अगर समय पर नहीं होंगे और समय पर ना होने की वजह से स्टूडेंट्स जो हैं डीमोटिवेट भी होते हैं या इस पर इसका असर भी पड़ता है, किस संस्थान से? न्यूटन ट्यूटोरियल। न्यूटन की जो थर्ड लॉ है कि प्रतिक्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो इस वक्त कोरोना के विपरीत क्या प्रतिक्रिया होती है? कोरोना के वजह से बच्चों में जो है, जो खासकर घरों में भी हैं, उनमें कुछ में पॉजिटिव और कुछ में बड़ा इरिटेशन सा आ गया है। घर में रह करके उन्हीं चीज़ों को बार बार रिवाइज करना, थोड़ा सा पेशेंस उन लोग का जो है, जिनका इस साल एग्ज़ाम देना है, थोड़ा सा पेशेंस कम हो रहा है। डेट का पता नहीं है, बार बार वही रिपीट रिवाइज करना, टेस्ट देना, तो इसमें थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि कब से जो है कोचिंग उसे किस तरह के सवाल बच्चे पूछते हैं। बच्चों का यही है कि सर जेई मेन कुछ अपुष्ट न्यूज़ आ जाती हैं कि पोस्टपोन्ड हो जाएगा या नहीं होगा या एग्ज़ाम डेट बढ़ गई। अभी जैसे कुछ अभी तो न्यूज़ थी कि जुलाई एंड में होगा, लेकिन अभी फिर से कुछ न्यूज़ आई हैं। तो बच्चे को तो आजकल मोबाइल पर रहने की वजह से हर चीज़ को देख रहा है, तो कोई भी न्यूज़ आती है तो आ जाती है, तो वो एक क्लियर होना चाहिए सरकार की तरफ से। अब हमारा इंस्टीट्यूट गैलेक्सिया मॉल रातू रोड में हुआ। जाहिर है सबसे मुश्किल विषय आप पढ़ाते हैं बच्चों को, इस वक्त बच्चों के लिए के मैथ्स, क्या वो ऑनलाइन मैथ्स समझते हैं? एक्चुअली सर हमारे यहाँ जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर झारखंड बोर्ड से आते हैं सर, तो उन लोग को थोड़ा खासा प्रॉब्लम होता है ऑनलाइन समझाने में। ऐसे CBSE वाले बच्चे को तो समझ में आती है, लेकिन ड्यू टू नेटवर्क के चलते वो भी अच्छे से हो नहीं पाती है सर। तो हम लोग को थोड़ा सा दिक्कत तो है ऑनलाइन क्लासेस झारखंड बोर्ड को स्पेशली बच्चे लोग को देने के लिए सर। लॉकडाउन हल्की आधी अनलॉक हुई है, कुछ परसेंट अनलॉक हुई है, कुछ परसेंट या कुछ हिस्सा अभी अनलॉक होना बाकी है, उन्हीं में एक स्कूल और कोचिंग संस्था।